हाँ तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 4 देखेंगे इंग्लिश का। ग्रामर सेक्शन पहले देखते हैं। ग्रामर सेक्शन में लिखना है सब 18 नंबर में राइट लेटर द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंपनी अबाउट राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पुलिस इन सिटी। इसमें कितना 150 वर्ड में लिखना है, वो नहीं लिखते तो और में भी दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन बुकलेट। उसके बाद 19 में क्या है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ टॉपिक्स गिवेन बिलो इन अबाउट 150 वर्ड। देखिए तीन दिया हुआ है गिवेन है ना, तो इसमें तीन में किसी एक पर लिखना है, योर एम इन लाइफ या डिसिप्लिन पर लिख सकते हैं या द पर्सन यू लाइक मोस्ट, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20 नंबर में इन्वर्टेड कोमाज आर यूज्ड इन ए में डायरेक्ट स्पीच, बी में इनडायरेक्ट स्पीच, सी में ए और बी दोनों, डी में नॉन ऑफ दिस। इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा किस में उपयोग होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है, तो डायरेक्ट स्पीच ऑप्शन नंबर ए में मारना। ऑप्शन नंबर ए में आप इसको टिक लगाइएगा, डायरेक्ट स्पीच। 21 नंबर में देखिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जून इज द हॉटेस्ट मंथ इज, इसमें क्या हो जाएगा, ए में है जून इज हॉटर, बी में है नो अदर मंथ इज हॉटर देन जून, सी में जून इज हॉट देन ऑल द ऑल अदर मंथ, डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन इसका गलत लग रहा है, इसमें हो जाएगा जून इज हॉटर देन ऑल अदर मंथ है ना, ऑल अदर मंथ हो जाएगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन गलत है। 22 में देखिए पैसिव वॉइस ऑफ सी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स इज, ए में दिया हुआ क्लॉथ्स आर बींग वॉश्ड बाई हर, बी में क्लॉथ्स इज द क्लॉथ्स इज बींग वॉश्ड बाई हर, सी में द क्लॉथ्स आर वॉशेज बाई हर, डी में नॉन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगा लीजिएगा। 23 में देखिए इनडायरेक्ट स्पीच ही ऑफ ही सेड टू मी हाउ आर यू इज, ए में है ही सेड टू मी हाउ आर यू, बी में ही सेड टू मी हाउ आई वाज, सी में ही आस्क मी हाउ आई वाज, डी में है नॉन ऑफ दिस। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही आस्क मी हाउ आई वाज। 24 में देखिए चेंज इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी सॉ ए ब्लू आइड गर्ल, ए में है वी सॉ ए ब्लू आइज गर्ल, बी में है वी सॉ ए गर्ल हुज आइज वेयर ब्लू, सी में है वी सॉ ए गर्ल ऑफ ब्लू आइज, डी में नॉन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपाउंड में क्या कॉम्प्लेक्स में बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर को मान दीजिए। 25 में देखिए ही इज ए गुड बॉय इज इन प्रिंसिपल्स डिग्री, गुड बॉय किस डिग्री में है, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव नॉन ऑफ दिस। गुड बॉय पॉजिटिव डिग्री में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 में देखिए रिमूव टू इन द सेंटेंस आई टू वाज प्रेजेंट देयर, इसमें रिमूव टू में बदलना है, चेंज करना है। ए ऑप्शन में है आई वाज प्रेजेंट देयर, बी में है आई वाज प्रेजेंट देयर टू, सी में है आई वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर और डी में है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। 27 में देखिए राज विल बी राइटिंग ए लेटर इज इन फिल इन द ब्लैंक्स टेंस, किस टेंस में है इसको पूछ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नॉन ऑफ दिस।
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विल लगा रहेगा तो फ्यूचर टेंस है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा रहता है कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही है, बी नंबर 28 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो किसी भी टेंस में किस चीज़ का एक्शन, क्रिया का किस चीज़ में बोल होता है प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो इसका प्रेजेंट भरा जाएगा 28 में, प्रेजेंट लिखिएगा पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट। 29 में देखिए द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ हेल्थी इज, हेल्थी इज का, हेल्थी का क्या कॉम्परेटिव डिग्री में लिख रहा है। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। तो इसमें देखिए पॉजिटिव डिग्री, कोई भी वर्ड को पॉजिटिव बोला जाता है ना, और ई आर जुड़ जाता है तो उसको कॉम्परेटिव बोलते हैं, है ना। तो ई आर देखिए हेल्थी में ई आर जोड़ देंगे, तो हेल्थी में ई आर जोड़ दीजिए एच ई ए एल टी एच आई, वाई के बदले क्या लगेगा आई और ई आर जोड़ देंगे हेल्थी आर, है ना। तो हेल्थी आर हो जाएगा। 30 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 फिल इन द ब्लैंक्स में वो भरना है। देखिए ए में है पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स लुक्ड आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, तो पेरेंट्स के साथ क्या हो जाएगा मस्ट लगेगा, मस्ट। बी नंबर में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स गॉड हैव मरकरी ऑन यू, तो इसमें हो जाएगा मे, प्रार्थना करते हैं भगवान से तो मे लिखेंगे। ही सी में देखिए ही फिल इन द ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, ही के साथ कैन हो जाएगा मैं तैर सक रहा हूँ नदी को, वरना पार कर सकता हूँ, तो एक्रॉस इसमें हो जाएगा ही कैन, ही कैन लिख देना है। और लास्ट में जो बच गया है ना, क्या बच गया, फूड बच गया, तो फूड भर देना डी में, डी ऑप्शन में क्या फूड भर दीजिएगा। 31 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इसमें भी देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको आपको कौन सा वर्ब लगेगा वर्ब उसमें लिखना है। सी फिल इन द ब्लैंक्स लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, इसमें ही रॉट लग जाएगा, सी रॉट लग जाएगा, सी रॉट। इसके बाद बी नंबर में देखिए माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स द फूड व्हेन आई रीच्ड होम, तो आई रीच्ड होम, इसमें हेड कॉम लगेगा, हेड कॉम, हेड कॉम लिख देना है। सी नंबर में देखिए द मैच हेड बिगेन बिगन बिफोर आई फिल इन द ब्लैंक्स द प्ले ग्राउंड रिच, ब्रैकेट में रिच है तो इसमें रिच्ड हो जाएगा वर्ब, फिर लग जाएगा आर ई है सी एच ई टी। और 4 नंबर डी नंबर में देखिए कॉलम्स कोलम्बस फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिका डिस्कवर, तो इसमें डिस्कवर का वर्ब फिर लगेगा, डिस्कवर लिख देना है डी आई एस सी ओ वी ई आर। इसको 32 में देखिए ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट एज इन द ब्रैकेट्स, है ना। ट्रांसपोर्ट करना देखिए ए में है माय अंकल इज टू ऑल टू द वर्क, इसमें रिमूव टू में बदलना है, रिमूव टू में देखिए इसका क्या हो जाएगा माय अंकल इज so that cannot to be work लिख देना, cannot to be work। B में देखिए can there be smoke without fire into assertive sentence, इसमें क्या assertive sentence में बदलना है, इसमें B में क्या भरिएगा देखिए क्या बनाना है, देर कैन नॉट बी
there cannot be smoke without fire. Without fire, F-I-R-E, fire. जी मैं देखिए, my mother cooks food. इसमें into passive voice. इसमें passive voice में बनाना है. इसमें क्या होगा? Food is cooked by my mother लिखना, cooked by my mother. 33 में देखिए, change the following nouns into adjective. adjective में क्या इसको change करना है? देखिए beauty, तो beauty में क्या फूल जोड़ देंगे, है ना? beauty दिया हुआ है तो उसमें beautiful लिख देना, beauty फुल, एफ यू एल, फुल, ब्यूटीफुल लिख देना. उसमें हेल्थ, हेल्थ लिखा है तो हेल्थ में हेल्थी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्थी. इसमें क्या है, हो गया इसका. आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.